पहला पाठ नबी इसायस का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्याएं 16 से 21 तक। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई। वे सब के सब ढेर हो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। वे बत्ती की तरह जलकर बुझ गए। वही प्रभु कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊँगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूँगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूँगा और उजाड़ प्रदेश में नदियाँ बहाऊँगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। प्रभु की वाणी है। Thank you.
पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 8 से 14 तक। मसीह के दुखभोग का सहभागी बनने के लिए मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ और उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुखभोग का सहभागी बन जाऊँ, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ अथवा मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ता जाता हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए, जिसके लिए यीशु ख्रिस्त ने मुझे अधिकार में ले लिया है। भाइयों, मैं यह नहीं समझता हूँ कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आ गया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता जाता हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूँ जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 11 तक। यीशु जैतून पहाड़ चले गए। वह बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है, आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा करते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह कर रहे थे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उन्होंने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज के शब्द समारोह हमें याद दिलाते हैं, पहला, पाप का परिणाम, दूसरा, ईश्वर की महती दया का वरदान, तीसरा, ईश्वर के दया को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, दया और क्षमा ख्रिस्त जीवन का अभिन्न अंग है। आज का पहला पाठ नबी इसायस के ग्रंथ से लिया गया है, जिसे बताया गया कि यहूदियों ने ईश्वर के साथ बना विधान के प्रति
वफादार नहीं रहे, जिसका परिणाम बाबुल का निर्वासन रहा। अब नबी के द्वारा उन्हें दिलासा और वह आश्वासन देते हैं कि जिस तरह उसने उन्हें मिस्र से निकाला था, उसी तरह वह अब उन्हें फिर से उनके अपने देश वापस ले चलेगा। ईश्वर अब उनके सारे पाप क्षमा कर दिए हैं और नई शुरुआत करने के लिए आह्वान करते हैं। ईश्वर कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातों को जाने दो और एक नई शुरुआत करो। प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि उन्होंने मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, वह मसीह को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते हैं। वह मूसा के संहिता और यहूदी धर्म का कट्टर पालनकर्ता और समर्थक रहा है। उसे रोमन नागरिकता प्राप्त थी, वह गमालियल के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन अब वह मसीह को पा लिया है और मसीह की तुलना में उन सबको बेकार व कूड़ा समझता है। मसीह का ज्ञान उसके लिए ईश्वरीय दया का परिणाम है। वे कहते हैं कि उसे उस धार्मिकता पर विश्वास है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ने उनके सारे पाप क्षमा कर दिए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार पापियों के प्रति यीशु के मनोभाव को सुंदर रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को यीशु के पास लेकर आते हैं और भीड़ के बीच खड़ा कर यीशु को फंसाने के उद्देश्य से प्रश्न करते हैं कि उस स्त्री के बारे में उनकी क्या राय है, क्योंकि संहिता ऐसी स्त्रियों को पत्थर से मार डालने का आदेश देती है। वे जानते हैं कि यीशु पापियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उन्हें मात देने का एक सुंदर अवसर गंवाना नहीं चाहते हैं। पर यीशु बिना कुछ कहे झुककर भूमि पर लिखते हैं और भीड़ उस स्त्री को दंडित करने के लिए उतारू थी। उनके दिल में उस स्त्री के लिए दया और सहानुभूति नहीं थी। इसके विपरीत यीशु इन सब में रुचि लेते दिखाई नहीं देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब उनसे लगातार जवाब देने के लिए आग्रह किया जाता है तो वे कहते हैं, तुम में जो निष्पाप हैं वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। परिणाम, सब वहां से एक एक कर चले जाते हैं। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री अपने को अपराधी स्वीकार कर चुकी थी और यीशु के सामने खड़ी रही। परिणाम, वह यीशु से क्षमा प्राप्त कर अपने अपराधों से मुक्त होकर वापस गई। प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों के द्वारा यीशु उनके असीम दया एवं क्षमा पर विश्वास करने के लिए हमें आह्वान करते हैं। वे चाहते हैं कि हम भी इस चालीसा काल में अपने अपराधों को स्वीकार करें और उन पर पछताते हुए उनके पास जाएं और अपने अपराधों से छुटकारा प्राप्त कर उनसे संयुक्त हो जाएं। आमीन।